अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान अली है। तो आज मैं आपको Adobe After Effects CS4 की ट्यूटोरियल और इसका कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं शुरू से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत हमारे फ्रेंड जो इसके बारे में नहीं जानते, इस सॉफ्टवेयर के बारे में, वो बेसिक से जानेंगे और इसे स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि Adobe After Effects एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोस को यकजा करके बेहतरीन एक वीडियो तैयार कर सकते हैं। आपने टीवी चैनल्स और एड्स जो टीवीज पर आते हैं वहाँ वीडियो चलते देखे होंगे, उनकी टेक्स्ट एडिटिंग देखी होगी, उनकी इमेजेस, उनकी वीडियोस देखी होंगी, वो सब इसी Adobe After Effects में होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। प्रोजेक्ट में हम जो काम करते हैं उसमें हम वीडियो, इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह हम अपलोड करते हैं ताकि हम उसे इस तरतीब में ला सकें कि वो हमारे यूजेज के काबिल हो जाए। तो सबसे पहले हम इधर राइट क्लिक करेंगे, न्यू कंपोजिशन बनाएंगे। कंपोजिशन हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे हर चीज़, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में क्लियर करना है। कंपोजिशन और इन चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि क्या चीज़ें हैं ये। ये कंपोज क्रिएट हो गई, उसके बाद हमने यहाँ डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हमने कोई भी इमेज, एक इमेज उठा ली। ये इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ, देखिए जी ये इमेज आप प्रीव्यू कर रहे हैं इसका। ये आपको साइज़ बता रहा है, ये साइज़ है इस इमेज का। उसके अलावा ये आपको फॉर्मेट बता रहा है कि ये फॉर्मेट है, और आपको इसका साइज़ KB में बता रहा है कि कितने KB है ये इमेज। और ये आपको लोकेशन बता रहा है कहाँ पर ये है ये इमेज। तो ये आप इसमें मल्टीपल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। शिफ्ट ये देखें, एक प्रीव्यू दिखाया उसने, ये ठीक है। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहें किसी फाइल को, तो ये डिलीट कर सकते हैं, इसके ऊपर रख के मार्क करके ये डिलीट, ठीक है। उसके बाद अगर आप फोल्डर बनाएं और उसको नाम दे दें कुछ भी, और आप शिफ्ट आप इनको फोल्डर में कर सकते हैं। उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को अगर वर्क एरिया में लाने चाहते हैं तो इसको माउस से ये वर्क एरिया में आ गया। इसके अलावा आप इस ऑब्जेक्ट भी वर्क एरिया में ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी इमेज की तलाश करनी है, इमेज वन, ठीक है। चलिए जी, इस वीडियो में हमारा प्रोजेक्ट बार का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको इफेक्ट्स कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।